नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और YouTube वीडियो में। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो गॉन रॉन्ग, वो हमने वीडियो बना के अपनों आपको पूरी हमने अपनी प्रॉब्लम बता दी है। फाइनली हम पहुंचे हैं और सीरियसली मैं बताऊं तो बहुत महंगा पड़ गया यहाँ पे पहुंचना, क्योंकि रास्ते भर बारिश हुई, कहीं पर बारिश हुई, कहीं पर रुकी, कहीं पर मतलब भीग गए। आप मेरी हालत देखिए, मेरा पूरा देखिए, मतलब पीछे से तो नहीं दिखा पाऊँगा। तो जैसे तैसे पहुंच गए, पठान देखना थी तो फाइनली पहुंच गए हैं। 3 बजे का शो है और सिंगल स्क्रीन थिएटर है। और मैं आपको ये भी बता दूं, पहली बार मैं ऐसा क्रेज़ देख रहा हूं सिंगल स्क्रीन थिएटर में, ये महामारी के बाद, ठीक है, कि पठान के लिए इतनी पब्लिक है। इवन यहाँ पे बालकनी का सिंगल स्क्रीन थिएटर है, 100 रुपये का बालकनी का टिकट था, 150 का कर दिया, 120 समथिंग का टिकट यहाँ पर कर दिया है पठान का क्रेज़ को देखते हुए। और देखें सिंगल स्क्रीन थिएटर में ये जलवा है, इतनी भीड़ है, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, विक्रम बेदा देखने आया था मैं यहाँ पे, मैंने वो भी वीडियो बना के आप जाके विक्रम बेदा का वीडियो देख सकते हैं। कोई भी नहीं था, शो चल रहा था और मैं अंदर खोल के जाके बैठ गया था। मैंने विक्रम बेदा एंड से स्टार्ट की थी देखना, जो वो शो चल रहा था। खुला है, अपने घर का थिएटर है, ऐसा कोई यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते मल्टीप्लेक्स जैसे कि आपका शो खत्म होगा तभी आप अंदर जाएंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं था। तो मैं वो बैठ गया था जाके, वो विक्रम बेदा का शो ख़त्म हुआ दोबारा से शुरू हुआ तब मैंने देखना स्टार्ट किया। यहाँ पे एंटर नहीं करने दे रहे हैं, अभी भी एंटर नहीं करने दे रहे हैं, इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा पब्लिक है। तो मतलब पूरे तरह से मैंने अभी देखा, जितनी ऑडियंस बाहर गई है या जितनी ऑडियंस अंदर आई है, जैसा कि आप वीडियोस देख पा रहे होंगे, सिंगल स्क्रीन थिएटर में पहली बार मुझे ऐसा आलम देखने को मिला है पठान के लिए, लिटरली मैं बताऊँ। और जिस एरिए में मैं आया हूँ मैं बहुत जानता हूँ, पहचानता हूँ, बचपन गुजरा है मेरा यहाँ पर इस एरिए में। तो यहाँ ना सलमान भाई के फैंस बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शाहरुख के जगह पर लोग सलमान भाई की झलक में एक दो लोगों को बात करते हुए भी मैंने सुना। और क्रेज़ देखें पठान का, कि अभी आधा दिन गुजरा है और 300 शो इंक्रीज कर दिए गए हैं। हमने स्क्रीन काउंट नहीं किया था पठान का, फाइनल स्क्रीन काउंट क्या होगा पठान का, तो ये जो कल रात तक जो आंकड़ा था पठान का स्क्रीन काउंट को लेके, वो 5200 इंडिया में स्क्रीन थी और 2500 समथिंग जो थी वो ओवरसीज में स्क्रीन थी। टोटल 7200 या 7700, 7500, 7700 स्क्रीन्स पर ये मूवी रिलीज हो रही है। ये 300 स्क्रीन्स और जोड़ दी गई हैं और इंक्रीज़ कर दी गई हैं। आज आधे दिन का रिस्पांस देख के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं पठान के, पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, लोग ब्लॉकबस्टर अभी से घोषित कर दी है। बस हमारा शो भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है। बड़ी गर्दिश में यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़ी ही जद्दोजहद करके यहाँ पर पहुँचे हैं ये वाला शो देखने के लिए। आप लोगों से बस उम्मीद यही है, स्पॉइलर ना देना कमेंट में। एक सबसे बड़ा इसी चीज़ का मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरे कमेंट में बहुत सारे स्पॉइलर्स भी आने लगे, तो प्लीज़ स्पॉइलर मत देना। और अगर आपको लगा हो, आप अभी भी मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा देखिए, बारिश जैसा मौसम लग रहा है, ऐसा लग रहा है मॉर्निंग ही है, धूप यहाँ नसीब नहीं हुई है। और कैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं भीगते भीगते, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसा मौसम ना सुबह होता है, और लेकिन पठान देखना था, सारी चीज़ें इन्जॉय की हैं, इतना एक्साइटमेंट था अंदर, तो कैसे भी करके निकल आए। वो कहते हैं ना कि शाहरुख भाई का ही डायलॉग है कि किसी चीज़ को सच्चा से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो बस निकले चले आए बारिश में, भीगे रास्ते में, थोड़ा रुके, लग रहा था कि लेट ना हो जाए, फाइनली टाइम पर पहुँच गए, अब शो स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से देखते हैं। आप लोग अपना रिएक्शन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।